जो मनप्रीत सिंह बादल जी होंगे अपनी पार्टी का पॉलिटिकल प्रोग्राम तैयार कर जी बिल्कुल तैयार और जो वो तैयार होगा ना कि तो इस वे लोगों शक ये होती है कि जेड़ा गल कर रहे हैं पर जेड़ी जेड़ी लिस्ट में जो गल होती है बेसी आ कुछ करेंगे सानू सारे नु पता पर प्रॉब्लम पंजाब दी की है की दिखाण विच असीं आ रहे हैं पर तुसीं जेड़े इकट्ठे होए हैं पंजाब बारे सोचो जिदा इहन किया सारे जानते हैं पर हल करने का बड़ा शाबाश समय लोगों के जेड़े हल करते वो जो इन्हों का पोलिटिकल प्रोग्राम होगा वो जो हल होगा वो इन्होंने वास्ते एक तरह का चैनल बना होगा ताकि असि लोगों को फॉलो करके कि भावे आप पोलिटिकल प्रोग्राम हो रहा है ना रहिए तो पंजाब जी एक संतुष्ट आ गई मैं इन्ना कहना चाहता बहुत बहुत शुक्रिया पोलिटिकल प्रोग्राम है वो बहुत बिल्कुल रेडी है कली कली गल लिखी हुई है हर वर्ग की गल लिखी हुई है एजेंडा भी तैयार है जिहड़ा मैनीफेस्टो है एजेंडा है वो तो इलेक्शन तो तोड़ महीने पहले रिलीज करना पड़ेगा क्योंकि सानू पता है क्योंकि वो जिहड़े जिहड़े घूमते ने नकल जी हूँ जो शहीद भगत सिंह की गल मनप्रीत ने की उदू बाद मेरे ख्याल खेडा भी करा दी भगत सिंह ना से उन्होंने ये लगता शायद भगत सिंह होना के नाते ही शायद वोटा पैनगियां वोटा आइडियोलॉजी उन्होंने असं ली है वोटा तो साढ़े अपने कामों में पैनगिया वो मुहम्मद सदीक साहब गल दस देते वो कहते जो साढ़े बहुत ज्यादा शो होंगे तो बाकी कलाकार मेरे ढोलकिया लेंगे शायद इन्होंने सदीक वर्ग के जो शो ने वो ढोलकिया करके हिट होंगे शायद सो ये कई बार इन्हों का हो जाता है कि सो एजेंडा कंस्टीट्यूशन जो पूरा तैयार है वैबसाइट भी दसा कितने पी है तो जोड़े फार्म ने मैं वो भी लेके आया तो फार्म हफ्ते के बाद नैट पर भी आ जाएंगे सिर्फ एक दो जानकारियां नाम ईमेल फोन नंबर विधानसभा हल्का उस तो बाद सबमिट करके साथ रजिस्टर मैंबर बन सकते हो तो सारा प्रोग्राम जो असी पार्टी का होमवर्क करके चले हाँ वधिया गल यह है अच्छी गल यह है कि जी पार्टी है वह थलों बन रही है अक्सर पार्टियां उपरों बन गई सबू अगले दिन ही पता लगता कि अच अकाली दल लौंगोवाल बन गए अच अकाली दल 1920 बन गए तो उपरों बनना सी पर असी लोगों जाके लोगों के बीचों असी पार्टी कढ़नी चाहते हैं सो ये पब्लिक पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब है ये लोगों की पार्टी है सच्ची मुची साढ़े लिए यह जे लोग सानू चाहिए जिहड़े बिना किसी लालच तो बिना किसी स्वार्थ तो पंजाब वास्ते सोचण ते ताकि आ जिहड़ा सिस्टम आपां इत्थे देखदे आं ग्रोसरी की जिहड़ी लाइन है उहदे विच हो सकदा अग्गे एमपी खड़ा होवे पिछे खड़ा होवे ते साढ़े एमपी जिहड़े ने उहनां नूं छड्डो उहदे चाचे ताए नूं मिलणा बड़ा मुश्किल हो जांदा जिहड़ा गैप है पब्लिक दा ते पॉलिटिशियन दा बहुत ज्यादा वध गया इहदी लेटेस्ट एग्जाम्पल देना मैं राजला साहब की बरसी सी चार दिन पहले समाणे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी दे महल तो 18 किलोमीटर है ते 18 किलोमीटर का सफर कैप्टन साहब ने हैलीकॉप्टर ते तय कीता 18 किलोमीटर जिन्हों असी पंजाब के अगले मुख्यमंत्री तौर पर पेश कर मतलब असी उन्हों कदों मिलेंगे फिर मुख्यमंत्री बनने के बाद की हालत होगी ये अंदाजा ला सकते पहला राजे महाराजे भी ना भेस बदल के अपनी परजा चले जाते किस छोड़िया राजधानी करनिया देखने वास्ते उन्होंने तो भी हम अगर लंघिया कहता जिहड़ा वीआईपी कल्चर जी वो उस हटाना पड़ेगा 750 पुलिस कर्मचारी सिर्फ डिप्टी सीएम साहब के सीएम साहब की रखवाली करते हैं मैं यही कहता कि उन्होंने मिलने नहीं चाहिए पर मैं कहना यह है कि जी डेनमार्क की गल है डेनमार्क की जी पार्लीमेंट गल चली उन्हें प्राइम मिनिस्टर ने सिक्योरिटी मंगी थी कि मैं खतरा है तो जो ऑपोजिशन लीडर से उन्हें खड़ा होकर कहा कहना भी यह तो थोड़ी डिमांड जी है बिल्कुल मनमनी वाली नहीं जो बंदा कोई कहना फौज भर्ती होंगे तो उन्होंने पता होता कि मेरी गोली बच सकती जे मैं तू होना है तो हो जाए नहीं तो ये फौज भर्ती जंग वाली छुट्टी मंगेगा फिर थोड़ी हो जाएगा तो वह कहते भी जो तू पॉलिटिक्स आया है तो तेन पता है कि तेरी जान के दुश्मन बन सकते हैं तू प्रधानमंत्री बने तेरी जान के दुश्मन बन सकते हैं इस करके जे तू आपकी जान तो इन्हें डरता है मौत तो कृपा करके अपना होर काम करवा लिया मैं अगला ऑपरेशन लीडर कह मैं बिना गल मैंने कहा प्रधानमंत्री बनने तैयार है सो जो सू पता है इस लाइन चा तो कृपा करके 15 अगस्त 19 15 हर 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले तो बुलेट प्रूफ शीशे खड़ के सू आजादी के पाठ पढ़ाते चलो हूँ तो लाल किले के कबूतर में भी भाषण याद हो गए हो यार कुछ तो बदल लो बेरोजगारी की चिंता महंगाई की चिंता अतवाद की चिंता बस तारियां फंक्शन है मैं अपने आर्टिकल भी ये लिखता अजीत के सानू दस दौ सा आजादी कितने रहती है
ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਲਟ ਪ੍ਰੂਫ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਆਈਪੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਬ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆਏ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਜੀ ਆਏ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ ਮੇਲਾ ਸਿਆਸਤ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੇਲੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨੁੱਕੜ ਨੁੱਕੜ ਰੈਲੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕੇ।